है कि ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे लास्ट क्लास में जो हमने एक छोटी सी ऐप बनाई थी जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेते थे कि इस वक्त करंट टेम्परेचर क्या है और हम उस वैल्यू के बेसिस पे बताते थे यूज़र को कि इस वक्त गर्मी है या नहीं है, ठीक है। तो और हम वो बताते कैसे थे, हम उसको एक प्री डिफाइंड वैल्यू से, हम एक प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड सेट करते थे कि अच्छा यार हमारे ख्याल में, यानी सॉफ्टवेयर का जो ऑथर है, प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर ने पहले ही फिक्स किया हुआ है कि 30 डिग्री इज़ द थ्रेशोल्ड, कि अगर इससे ज़्यादा है तो गर्मी है, इससे कम है तो गर्मी नहीं है। तो ये होता था। तो उसमें हम क्या कर रहे होते थे, ज़रा वो काम उतना हम दोबारा से कर लेते हैं। उसमें हम करते थे कि भाई लेट टेम्प इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर रूम टेम्परेचर, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट रखा है मैंने इस बार, और मैं कहता था कि इफ टेम्प इज ग्रेटर देन 30 तो कंसोल पे बता दो आप गर्मी है, सही है। एल्स आप बता दो गर्मी नहीं है। तो ये एक छोटी सी ऐप हमने बनाई थी। अब इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करते थे हम, और एक उसका एल्स होता था। तो गोया कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, वो कोई तीसरा रिस्पॉन्स कभी भी नहीं करेगा। अच्छा, और ये इन दोनों में से कोई एक करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर इफ़ चेक में पास हो गया, इफ़ की स्टेटमेंट, यानी इफ़ की स्टेटमेंट जो ये वाली थी, ये अगर फुलफ़िल हो गई, ट्रू हो गई, तो ये वाली बात आ जाएगी। अदरवाइज एल्स तो लाजमी आ ही जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये दोनों ना चले, ठीक है। ये भी याद रखने की चीज़ है, दो ही पॉसिबिलिटी है, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई एक भी ना चले। अच्छा, अब इसके अंदर हमें दो से ज़्यादा अगर चीज़ें ऐड करनी हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक else if करके इसमें मज़ीद हम चेन कर सकते हैं आगे स्टेटमेंट में। अच्छा, क्या करना है अब हमें अगला काम, नोट किया ये क्या हुआ। अच्छा, अभी तो ये एरर आ रहा है, लेकिन खैर समझो इसको क्या हो रहा है। ये एक if था, ये हम पहले क्या करते थे इसमें एल्स लगा के ना एक ऐसे ब्रैकेट लगा देते थे एल्स वाली, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एल्स के आगे एक और इफ लगा देते हैं ऐसे, और एक और ऐसे गोल ब्रैकेट बना देते हैं, और फिर इसकी एक बॉडी बना देते हैं, ठीक है। इफ के नीचे ये लाइन इसलिए आ रही है, कह रहा है भाई ये कोई कंडीशन तो दो आप, ठीक है। एल्स की जगह मैंने, एल्स की जो बॉडी बनाता था मैं, उसमें एक और इफ लगा दिया मैंने। अब होगा क्या, अब होगा ये कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला कंसोल हो जाएगा, और ये इफ़ की स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी वहीं पे, आगे किसी भी चीज़ को चेक नहीं किया जाएगा, और आगे की जो बॉडीज़ जितनी भी हैं, चाहे वो इफ़ की हो चाहे एल्स की बॉडी हो, उसमें से किसी को वो चेक भी नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अगर ये फेल हो जाता है, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो क्या करेगा, वो एल्स में देखेगा एक और इफ़ है तो इसको चेक करेगा फिर, ठीक है, इसको ये चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो जाता है तो इस वाले इफ़ की बॉडी चल पड़ेगी। अच्छा, और ऑप्शनली लास्ट में मैं एल्स, जैसे सिंगल इफ में एल्स लगा सकता हूँ, इसी तरह इसके लास्ट में भी मैं एल्स लगा सकता हूँ, एल्स लगा दूंगा। अगर ये दोनों फेल हो गई ना तो एल्स हर हाल में चल जाएगी। अगर मैं ये लास्ट वाला एल्स नहीं लगाता हूँ तो दोनों फेल होने की सूरत में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बेहतर ये है कि एल्स लगा लिया जाए, रिकमेंडेड यही है कि हर इफ का एक एल्स हो, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी रखते हम, तो केस टू केस वेरी करता है कि हम असल में करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। स्टिल अगेन मैं रिपीट करूंगा कि अभी हम वो चीज़ें सीख रहे हैं कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और किस टूल में कितनी धार है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, करना क्या है, अभी वो आगे चल के आएगा। हम जब छोटी छोटी ऐप्स अपनी खुद की बनाना शुरू करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि अच्छा यार ये काम करना है तो इसमें यहाँ पर ये टूल लग सकता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमें पता चल रहा है कि अच्छा यार यूज़र से इनपुट लेना है, टेम्परेचर ज़ाहिर है उसको जब चेक करके बता रहे हैं कि गर्मी है या नहीं है तो उसके लिए मुझे इनपुट चाहिए होगा, तो इनपुट प्रॉम्प्ट से लेते हैं, हमने सीख लिया था पहले। अच्छा, प्रॉम्प्ट से जब इनपुट लेंगे तो उसको फौरी तौर पे किसी वेरिएबल में रखना है, तो यहाँ पे वेरिएबल की ज़रूरत है, अब वेरिएबल के बगैर ये काम नहीं हो सकता, ठीक है ना।
वेरिएबल के बगैर अगर ये काम करेंगे तो कैसे होगा, ये प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा मुझे इस वेरिएबल की जगह पे रखना होगा, मगर एक रखूंगा तो फिर दूसरे पे वो दोबारा प्रॉम्प्ट मांगेगा, है ना, तो ये तो नहीं करना, दो बार तो नहीं चलाना, तो मैं उसको एक दफ़ा इनपुट लेके वेरिएबल में रखूंगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पता चलता जाएगा खुद भी, लेकिन अल्टीमेटली हम इसको बाकायदा सीखेंगे कि अच्छा यार इस जगह पे ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। खास तौर पे जब हम रिएक्ट का फ्रेमवर्क शुरू करेंगे, जब हम सर्वर लिखेंगे, तो वहाँ पे ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा सर्वर पे क्या करना है। बंदे ने एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में से फला वर्ड काट के निकालना है। अब वो काम कैसे होगा प्रोग्रामिंग में, अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा, ठीक है, उसके लिए स्ट्रिंग के अपने मेथड्स हैं। वेल, तो मैंने क्या कहा कि भाई अगर टेम्परेचर जो है वो 30 से बड़ा है, मैंने लास्ट आपको एक बताया था एनालॉजी, एनालॉजी क्या, अपने लिए मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा है तब तुम गर्मी है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर 25 तक अगर है, 30 से कम कितना कम, 25 तक अगर है तो मुझे जैकेट की ज़रूरत नहीं होती, गर्मी तो नहीं है लेकिन जैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल टी शर्ट में चल जाता है, लेकिन 25 हो जाए अगर या उससे कम हो जाए तो मुझे बाइक चलाते हुए जैकेट चाहिए होती है। अच्छा, या अगर 20 हो जाए वो या 20 से कम हो जाए तो मुझे बैठे हुए भी जैकेट चाहिए होती है। जैसे कल रात को मैं बैठा हुआ था बाहर, तो कल रात को 17 डिग्री था शायद, रात को 2:30 बजे के टाइम, तो बैठे हुए मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है, और मैंने निकलते हुए जिस दोस्त के साथ जा रहा था उसको कहा था भाई जैकेट ले ले, बाहर ठंड हो गई है, वो कह रहा है यार गर्मी लग रही है मुझे तो घर पर तो बैठा हुआ था, फील नहीं होता बंदे को, लेकिन मैंने देखा यार कम होगा, 17 होगा, 18 होगा, मैंने कहा 20 से कम है, मुझे तो चाहिए होगी, मैं तो जैकेट लेके जाऊँगा, कह रहा जा भाई पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने क्या बोला होगा आगे, ठीक है, वो लड़के होते हैं थोड़े। फिर यार वापसी पे बाइक उसको चलानी थी ना, जब बाइक उसी की थी बाइक, तो उन्होंने असल में खरीदी बैनली, तो हमने कहा यार चलो निकलते हैं, मैंने कहा जैकेट ले ले भाई, जब उन्होंने वापसी में भगाई तो उनको लगी ठंड, तो मैंने अपनी जैकेट उनको देने का ले ले भाई तो उन्होंने कहा भाई गर्मी लग रही मैं तो नहीं पहनूंगा, लेकिन मुझे मेरा पता था तो मैं जैकेट लेके निकलूँ। तो वेल, अब ये कंडीशन यहाँ पे कैसे मैं लगाऊंगा, एक तो मैंने लगा दिया कि 30 से बड़ा बड़ा अगर हो तो गर्मी है, अब 30 से लेके 26 तक अगर हो तो मुझे एक दूसरा मैसेज देना है यहाँ पे, उसके लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे इस जगह पे। अब देखो एक सिनेरियो आ गया ना, अब बताओ लेस देन इक्वल्स टू लगाऊं, टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू 30 अगर हो जाए, ऐसे लेस देन 25 इक्वल्स टू, चलो इक्वल्स टू लगा दिया, हाँ भाई सही है ये, नहीं 25 है ना अगर, तो जैकेट की ज़रूरत है बाइक चलाते हैं, अगर 26, 27, 28, 29 और 30 अगर है, 30 तक मैं कह रहा हूँ कि गर्मी है, मतलब गर्मी नहीं है, 31 हो गया ना तो फिर गर्मी है, ये मेरा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, नहीं मुझे यहाँ पे कंडीशन फ़िलहाल दे सकता हूँ, वैसे तो ये कंडीशन पूरी मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं पे देना चाह रहा हूँ कंडीशन। हाँ रिक्वायरमेंट ये है कि ये तो सही हो गया ना कि 30 से बड़े पे गर्मी है, अब 30 से छोटे पे ना मुझे अगर 29 है, 28 है, 27 या 26 है, 26 तक मुझे ये बताना है कि भाई नॉर्मल है मौसम, ये बताना है मुझे, लेकिन जैसे ही 26 से कम हो जाए ना तो फिर वो नॉर्मल ना बताए, फिर वो अगला हम उसके लिए लगाएंगे। तो ये सही लिखा हुआ है इसका मतलब, हाँ भाई यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं के मौसम ठीक है, बस हाँ भाई ये कंडीशन सही लगी हुई है, कितने लोगों का ख्याल है ये कंडीशन सही लगी हुई है, कितने लोगों का ख्याल है कि सही, किसी का भी ख्याल नहीं है तो सही बता दो, 30 लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे 30 है, अब कितने लोगों का ख्याल है कि ये सही है, आपका ख्याल है कि ये बिल्कुल सही हो गया,
फिर बताओ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 आएगा। एक दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 आएगा। कितने लोगों का ख्याल है कि ये सही है? अच्छा, इसका अब इसका देखो एक तरीका है, ठीक है, ऐसे हवा में बात नहीं होती। एक से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक तरीका है, मतलब पता नहीं सब लोग इसको यूज़ करते हैं, मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे करते हैं। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि क्योंकि इसमें गड़बड़ बहुत होती है, गड़बड़ बहुत होती है इसमें। ज़्यादा सबसे ज़्यादा बग जो मेरे पास आता है ना इसमें, सबके पास यही होता होगा वैसे, कि एक ऐसी वैल्यू होती है ना जो ना ऊपर वाले एफ में कवर हो रही है ना नीचे वाले में हो रही है, ऐसा होता है। लास्ट टाइम शायद हुआ भी था हमारे पास, इसी क्लास में हुआ था वो, नहीं आपका तो खैर नहीं, वो किसी और क्लास में हुआ होगा शायद। वेल होता ये है कि मैंने बोला है कि 30 से बड़े पे गर्मी है और 30 से छोटे पे सर्दी है। अब एग्जैक्ट 30 पे क्या है वो मिस हो जाता है समटाइम, ठीक है ना। अच्छा, उसके लिए जो मेरा तरीका है वो क्या है, मैं बनाता हूँ एक अदद स्केल, ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा स्केल है ये देसी मैन्युफैक्चर्ड स्केल है ये। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है मेरे पास ज़ीरो, सही है, ये मेरे पास एक पॉइंट है ज़ीरो इस स्केल में, यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरो, और ये इस तरफ ये माइनस में जा रहा है पूरा, सही ना भाई। जो कौन सा नंबर स्केल होता है जो इस तरफ भी इन्फिनिटी उस तरफ भी, क्या बोलते हैं उसको। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना ये 30 लिखा हुआ है स्केल में, सही है, 30 का ओ जो है वो थोड़ा सा, हाँ दिल बन गया वो थोड़ा। अच्छा, और इस तरफ ये 30 से आगे के जितने नंबर हैं वो सब हैं कंटिन्यू है इधर। ये मेरे जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो एक है 25 पे, सही है, और एक है 20 पे। ये मेरा एक स्केल है ना और मेरे ब्रेक पॉइंट्स बन गए मुझे ये। अच्छा, अब मुझे जो कंडीशन इफ में लगाऊंगा ना मैं चेन स्टेटमेंट में, वो मुझे या तो इस तरफ से शुरू करनी पड़ेगी या तो मुझे इस तरफ से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो मेरे केस में मैंने इस तरफ से शुरू किया हुआ क्योंकि सबसे पहले मैंने चेक किया कि 30 से बड़ा जो है। अच्छा, अब 30 से जो बड़ा मैंने चेक किया ना कि टेम्परेचर, अगर 30 से बड़ा है तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ कवर हो गई हैं 31 से लेके ऑन वर्ड्स जितनी भी इन्फिनिटी तक, ये कवर्ड हो गई। तो मैं इस पर एक सर्कल बना देता हूँ कि भाई ये जो है ना 30 नहीं है इसमें, देखो 30 को मैंने छोड़ा हुआ है, ये इस तरफ जो थी ना सारी वैल्यूज़ ये इसमें कवर हो गई हैं, ठीक है, इस तरफ वाली जितनी थी सारी। अच्छा, अब मुझे जो अगला कंडीशन लगानी है उसमें मुझे 30 को शामिल रखना है ना। अच्छा, अब मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे जो कंडीशन लगानी है उसमें 30 शामिल होगा और 25 शामिल नहीं होगा। अच्छा, चेन स्टेटमेंट की अच्छी बात यह है कि ये ऊपर से शुरू होता है और नीचे की तरफ जाता है, और चेन स्टेटमेंट इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि पहला ही कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आगे वालों को किसी को भी चेक नहीं करता। तो हमारे पास काइंड ऑफ कितनी कंडीशन होगी यहाँ पे, एक कंडीशन, दो, उसके बाद यहाँ तीन होगी और यहाँ शायद चौथी एक होगी ऐसे जो इसमें ये इस तरफ वाले पूरे को कवर कर रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास चार इफ होंगे, सही है, तो डुप्लीकेट कर देते हैं इसको एक को हम, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन होगी कुछ ना कुछ, सही है, कोई वैल्यू, इसको ज़ीरो ज़ीरो कर देते हैं फिलहाल क्योंकि हमें भी नहीं पता अभी क्या लगाना है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने ज़ीरो रखा है, यानी एक्स रख दिया कि अननोन है ये। तो पहली जो कंडीशन थी वो तो हमारी बिल्कुल सही लगी थी, उस तरफ के पॉजिटिव सारे कवर हुए थे। अच्छा, अब मुझे लगानी है अगली दूसरी कंडीशन। अगर अगली दूसरी कंडीशन में ये लिख दूँ कि 25 से बड़ा, 25 नहीं 25 से बड़ा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कुछ वैल्यू इस तरह बनेगी कि जो है ना एक ऐसी कंडीशन बनेगी, यूँ 25 उसमें शामिल नहीं होगा, सही है। तो क्या किया मैंने, ये बहुत ज़ूम कर दिया, ज़ूम कैसे कर दिया यार मैंने, देख लो यार ज़ूम का इसमें कहाँ पे वो था यार,
नहीं ये जूम तो हो गया, जूम आउट कैसे होगा? मैंने कोई बटन यहाँ पे गलती से प्रेस किया है जिससे ये, जिससे जो है ना ये जूम इन हो गया। अच्छा व्यू में जाके देखते हैं यार जूम। हाँ ये रहा जूम का जो जूम टू नॉर्मल। अच्छा तो ये एक ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें क्या होगा, जिसमें 25 से बड़े बड़े तमाम नंबर क्या होंगे, कवर्ड होंगे। एक ऐसी कंडीशन बनेगी तो इसका मतलब कि 30 भी कवर्ड है उसमें, 31, 35, 36 भी कवर्ड है उसमें, है ना। लेकिन अगर नंबर 30 से बड़ा होता तो वो इस तक पहुंचता ही नहीं, है ना। तो सिर्फ अगर मैं ये बोल देता हूँ कि 25 से बड़ा, तो ये मेरी बात 25 से 30 तक हो गई, है ना। क्योंकि अगर देखो 30 से अगर बड़ा होता तो वो नीचे आता ही नहीं। क्यों? वो शुरू में ही पहले ट्रू हो जाता और यहीं से ख़त्म हो जाती कहानी, वो नीचे नहीं पहुंचता। तो अब मुझे यहाँ पे जस्ट इसको ये बोलना है कि 25 से बड़ा हो, तो ये 26 को कवर करेगा, 27, 28, 29, 30 तक कवर करेगा। और 31 तो होता अगर तो यहाँ पहुँचता ही नहीं, है ना, पहले ही वो निमट जाता। अच्छा तो ये हो गया, तो मैं इसको बोलूँगा कि टेम्परेचर इज बड़ा हो अगर किससे, 25 से बड़ा हो। अच्छा इक्वल्स टू भी लगा सकता हूँ लेकिन शायद उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, क्योंकि स्केल पे अगर मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा तो भी उसको मुझे 26 करना होगा, ठीक है। तो 25 ही रखता हूँ मैं इसको, और इसको ऐसे ही रखता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई मौसम जो है वो क्या है, मौसम ठीक है। अच्छा अब अगली कंडीशन, अगली कंडीशन मुझे ये बतानी है कि 20 से लेके और 25 तक, 25 उसमें कवर्ड हो, तो मैं ऐसी कंडीशन लगा दूंगा, मैं बोलूंगा भाई 20 से बड़ा अगर है ना तो, सही है, 20 उसमें शामिल नहीं करूंगा मैं, तो 21, 22, 23, 24 और 25 उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर 25 से बड़ा होता तो वो नीचे ही नहीं पहुंचता, ऊपर ही से निमट जाता, तो मैं बोलूंगा कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 20। यहाँ पे मैं बात लिखूंगा कि भाई इज इक्वल टू, हटाना पड़ेगा के यूज जैकेट इफ राइडिंग बाइक, ठीक है। उर्दू इंग्लिश का मिक्स हो गया लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे एक कंडीशन और लगानी है कि भाई कैरी जैकेट। अच्छा अब कैरी जैकेट के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 20 को मुझे इंक्लूड करना है और 20 से नीचे वाले जितने भी हैं सबको इंक्लूड करना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, है ना, मुझे एक ऐसी कंडीशन लगानी है जिसमें ये 20 शामिल हो और 20 से छोटे जितने सब शामिल हो जाएं। क्या लगाऊंगा मैं कि टेम्प लेस देन हो जाए अगर 20 ना और लेस देन और इक्वल टू 25 हो जाए। सही है कंडीशन, ये कंडीशन तो सही है लेकिन मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एल्स में है ना। अब तो अगर मिसाल के तौर पे, हाँ अगर ये 20 से बड़ा नहीं था, 25 से भी बड़ा नहीं था, 30 से भी बड़ा नहीं था और 30 से बड़े जितने इन्फिनिटी तक कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20 से छोटा है, और 20 से कितना छोटा है ये तो मैटर ही नहीं करता। तो ये जो मेरा एल्स है ना, ये वाला मैं इस एल्स में अगर वो बात लिख देता हूँ तो वो कवर हो गई, है कि नहीं। क्योंकि अगर ऊपर की कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, क्योंकि देखो शुरू कहाँ से कर रहा हूँ मैं, जो शुरू मैं कर रहा हूँ ना वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू कर रहा हूँ, है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू किया है मैंने। अगर इस स्केल को देखो तो ये मैंने शुरू किया है पॉजिटिव इन्फिनिटी से और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा हूँ मैं, और नीचे आते आते मैंने 20 तक की कंडीशन लगा दी है। तो अब अगर वो पहले ये कंडीशन चेक होगी ना ऊपर से नीचे की तरफ, ये फेल हो गई, ये चेक होगी ये फेल हो गई, ये चेक होगी ये फेल हो गई, तो इसका मतलब है स्केल में ना इस तरफ का कोई नंबर है ये, है ना। तो एल्स में वो बात आ जाएगी, एल्स में ऑटोमेटिकली इस तरफ का वो सारा कवर कर लेगा। समझ आई ये बात सब लोगों को? तो ये एल्स इसलिए मौजूद है, तो मैं एल्स में जाके लिखूंगा कंसोल कैरी जैकेट,
सही है, कंडीशन यहाँ पे ये लगी हुई है, लेकिन कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स में कवर हो गई। अगर चाहूँ मैं तो यहाँ पे इफ़ लगा के ना मैं ये बात भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एल्स की जरूरत, एल्स ऑप्शनल होता है बाय द वे, ठीक है, मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हो गई है। सही है, तो मैं इसको एल्स ही रहने देता हूँ और इसको कॉमेंट में मैंने ये बात लिख दी। अच्छा, तो मैंने अभी आपके सामने ये बात लिख दी है और इसको अब बारी है टेस्ट करने की, है ना, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं ज़रा। अच्छा, प्रॉम्प्ट जो है वो बार बार तंग करता है, तो इसमें मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दे दे के टेस्ट करता हूँ इसको। तो सबसे पहले मुझे चाहिए वैल्यू 35, 35 में कौन सा वाला चलना चाहिए, ये वाला चलना चाहिए, ठीक है, कि गर्मी है, आ जाओ, गर्मी है। अच्छा, 31 तक ये गर्मी रहेगा, 30 तक गर्मी है। अच्छा, 30 जैसे ही मैंने कर दिया इसको तो क्या है, अब ये मौसम नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब ये कब तक नॉर्मल रहेगा, 26 तक, यानी 29 में ये नॉर्मल है, सही है, और ये 26 तक नॉर्मल है, ठीक है, 26 तक ये नॉर्मल शो करना चाहिए इसको, मौसम ठीक है। अच्छा, 25 जैसे ही होता है ये, तो ये यूज जैकेट आ जाना चाहिए, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि जिस स्केल से मैंने बनाया है उसी स्केल पे उसको मैंने चेक करना है कि अच्छा यार तमाम वैल्यूज़ क्या अच्छी तरह कवर हो रही हैं इसमें या नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो यूज़ जैकेट आ गया भाई। अच्छा, ये यूज़ जैकेट कब तक चलेगा, ये 21 तक चलेगा, सही है, जैसे ही वो 21 तक यूज़ जैकेट है, जैसे ही ये 20 हो गया तो अब ये बोलेगा कैरी जैकेट नो मैटर व्हाट। अच्छा, और अगर 20 से अब ये 19 हो जाए या एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू हो जाए, ठीक है, -200 हो जाए, वो नंबर स्केल पे जो नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर होगा उसको ये क्या लेगा, उसको ये कैरी जैकेट में ही लेगा। नहीं, हमने देखो, हाँ ये बात सही है कि अब जैकेट से काम नहीं होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारा एक स्कोप होता है, तो हम उस स्कोप के अंदर अंदर चीज़ों को हैंडल करते हैं, उससे आगे और पीछे नहीं करते हैं। अच्छा, इसका लेकिन एक क्लासिक तरीका होता है, इसका एक क्लासिक तरीका ये होता है कि मैं एक 30 के, मैं शुरू मैंने 30 से किया ना यहाँ पे कि 30 से बड़ा है तो ये बोलो, तो मैं 30 से बड़ा नहीं शुरू करता, फिर मैं बड़ा करूँगा एक फेटल जो भी एक वैल्यू होगी ना उससे शुरू करूँगा मैं, ठीक है, और उसमें मैं एक सर्टन मैसेज दूंगा जो सबके लिए ट्रू होगा, माइनस अगर 4000 भी हो जाए तब भी उसके लिए भी ट्रू होगा, सही है। तो मैं 20 से नीचे लाता है उसको, थोड़ा -10 तक लेके जाता, मैं -10 पे उसको बोलता कि भाई इट्स फेटल आउटसाइड, अब वो 200 भी हो जाए तो उसके लिए बात ट्रू, लेकिन स्टिल प्रोग्रामिंग में हमेशा मेरा एक स्कोप सेट होता है, मैं एक लिमिट से लेके एक लिमिट तक के वैल्यूज़ को हैंडल करता हूँ, ठीक है, बाकी जो उसके बाहर होता है ना उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, तमाम पॉसिबिलिटीज़ को हम प्रोग्रामिंग में हैंडल नहीं कर सकते, इसी वजह से जो अनकॉच एरर है या एक्सेप्शंस जो आ जाती है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन किसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, है ना, अब यूज़र क्या इनपुट देगा, अब नंबर मांगा हमने उससे, अब नंबर की जगह वो स्ट्रिंग लिख देगा, तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि भाई इफ़ एक टाइप इक्वल इक्वल स्ट्रिंग या इज एन एन चेक कर लेते हैं, या बंदा जो है वो नंबर दे देगा, प्रॉपर नंबर दे देगा, उसको हम देख लेंगे। अब नंबर में कहाँ से कहाँ तक का नंबर हम एक्सेप्ट करते हैं, जाहिर जो भी सॉफ्टवेयर होगा जैसे कैलकुलेटर है, अब कैलकुलेटर में 200 प्लस 200 बोल दिया उसने तो ये सही है, लेकिन उसने एक ऐसा नंबर दे दिया जो जावास्क्रिप्ट में वो 15 डिजिट या 16 डिजिट की जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा है, तो फिर मुझे उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो एक सर्टेन डिग्री तक मैं चीज़ों को चेक कर सकता हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट का स्कोप होगा, उसके आगे फिर जाहिर है वो एक्सेप्शन आएंगी फिर उसके आगे, ठीक है। वेल, तो ये बात निकल आई कि यार हम एक सर्टेन डिग्री तक अहाता करते हैं चीज़ों को, उसके आगे नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमने अगला काम क्या करना है, अब इसी स्केल के ऊपर जैसा कि मैंने कहा था कि या तो मैं इस तरफ से शुरू करूँगा या तो मैं इस तरफ से शुरू करूँगा, तो इसी स्टेटमेंट को हम दोबारा से लिखते हैं और दूसरी साइड से शुरू करते हैं, हम जीरो वाली साइड से शुरू करते हैं, ठीक है, आ जाते हैं जी। हम इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और कमेंट करके क्या करता हूँ इसी की एक कॉपी बना के, है ना, इसी की एक कॉपी बना के अब मैं क्या करूँगा, इन सबको मैंने जीरो कर दिया, ठीक है, और मैं अपोजिट साइड से शुरू करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा,
इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20, अच्छा जिसमें लेकिन 20 कवर नहीं होगा, इक्वल्स टू भी लगाना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहली कंडीशन मैं ये लगाऊंगा कि टेम्परेचर अगर छोटा है 20 से या इक्वल टू है 20 के, ठीक है, तो कैरी जैकेट होगा यहाँ पे सबसे पहले। सही है, कैरी जैकेट, तो पहला वाला हमने बिल्कुल सेट कर लिया। अब इसमें क्या बनेगा, ये मैं पहले वाले निशान सारे मिटा देता हूँ ताकि अब इस तरफ वाला निशान हम बनाए ना तो क्लियरली दिखे वो। तो अब मैंने क्या किया है, 20 समेत एक कंडीशन बनाई है जिसमें ये तमाम जो है ना इस तरफ वाली वैल्यूज़ कवर हो गई हैं। सही है, ये तमाम इस तरफ वाली वैल्यूज़ कवर हो गई हैं इसमें। अच्छा, और अब अगली कंडीशन मैंने क्या लगानी है, अगली कंडीशन ऑब्वियसली मैं लगाऊंगा कि 25 को इंक्लूड करके मुझे एक कंडीशन लगानी है जिसमें ज़ाहिर है 25 से छोटी तमाम वैल्यूज इसमें कवर होंगी, ऐसी कंडीशन लगानी है। अच्छा, लेकिन वो कवर सिर्फ 21 तक को करेगा, क्योंकि उससे छोटी होती तो ऊपर ही कवर हो जाती, वो नीचे आता ही नहीं। तो अब मैं बात क्या लिखूँगा कि टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक है, रीडेबिलिटी के लिए इक्वल्स टू यहाँ पे लगाना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं उसको, अगर मैं इसको कर दूँ, क्या कर दूँ मैं इसको, वेल अभी मैंने 25 को इंक्लूड रखा है यहाँ पे, तो इसलिए इक्वल्स लगा रहा हूँ रीडेबिलिटी के लिए, वरना अभी इक्वल्स टू हटाएंगे तो इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, 26 करेंगे 24 करेंगे ये मेरा प्रोसेसर स्लो है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इस स्केल से समझ आता है, इस स्केल में अच्छा 25 इंक्लूड है तो 25 इंक्लूड है, इक्वल्स टू लगा के इंक्लूड कर दिया उसको। अच्छा, ठीक है, इसको कहते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये स्केल के अंदर जो बात हो रही है। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई 25 से ले के 21 तक अगर है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये यूज जैकेट वाला बन जाना है। सही है, यूज जैकेट वाला मैंने लगा दिया इफ राइडिंग। अच्छा, अब अगली कंडीशन मैंने क्या लगानी है जिसमें मैंने 30 को शामिल रखना है और 30 से छोटी जितनी भी वैल्यू है सबको शामिल रखना है, ऐसे करके मैं लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई लेस देन और इक्वल्स टू 30, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं कि भाई मौसम नॉर्मल है, ठीक है, मौसम ठीक है, मौसम ही क्यों आ रहा है दोनों, ठीक है, मौसम ठीक लगा दिया मैंने। अच्छा, अब लास्ट में जो मेरा एल्स, अब जो इसके बाद की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, वो कुछ इस तरह की होगी कंडीशन कि उसमें क्या होगा, 31 से शुरू होगी वो और पूरा जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक को वो कवर करेगी ना, एक ऐसी कंडीशन में लगाऊंगा। तो इसके लिए अगर कंडीशन लगानी पड़े तो मुझे, मैं तो ये बोलूँगा कि इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 30, तो वो 31 से शुरू करेगा और ग्रेटर जितना मर्जी हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि अगर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए 30 से, लेकिन मुझे ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि भाई इट्स हॉट। सही है, गर्मी है गर्मी है, चलो ये लो। अच्छा, तो इसको भी मैं जब चेक करूँगा तो ये सही चल जाता है बिल्कुल, इसको मैं इस पूरे, अच्छा यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है हमारे लिए कि हमारे पास ना इस पूरे नंबर स्केल पे अगर कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाए तो ये मेरा जो इस इफ़ का स्टेटमेंट है उसमें कोई ना कोई जवाब उसका पूरे का मौजूद है, ठीक है। तो नंबर्स को कवर करते हुए ख़ास तौर पर इस चीज़ का आपने क्या करना होता है, ख्याल रखना होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको एक अदद असाइनमेंट देना चाहूँगा मैं, और वो असाइनमेंट ये है कि आप एक बंदा होगा, ठीक है, वो आएगा और वो आके अपनी परसेंटेज बताएगा। सही है, परसेंटेज क्या हो सकती है, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो नंबर स्केल बनेगा वो क्या बनेगा कि ऐसे भाई इस तरफ 0 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है, ये आपका थ्रेशोल्ड हो गया 0 और 100, ठीक है। इस तरफ का जो है सारा 100 से बड़ा 0 से छोटा, आपने इनवैलिड बताना है, ठीक है। तो ये एक इस तरफ का आ गया, एक इस तरफ का आ गया, अब बीच में जो ग्रेड है वो आप लोगों को पता है कि भाई एक 80 पे और एक 70 पे और एक 60 पे और फिर 50 से नीचे वाले को आपने फेल करना है। तो इस स्केल को करके, ठीक है,
और आपने जो है ना वो लगाना है। अच्छा, ज़रूरी है आपके लिए ये बात कि ऐसा एक स्केल बना के ना, मिसाल के तौर पे जो आपका जो यूआई होगी उसके ऊपर एक इनपुट प्रॉम्प्ट के ज़रिए आ रहा होगा और तो कुछ होगा नहीं इस यूआई में, और एक आप फिगर बता रहे होंगे कि यार ये अच्छा। तो आपने क्या करना है उस एचटीएमएल के पेज में ना एक ऐसा स्केल बना के ना उधर डिस्प्ले करना है आपने कि अच्छा यार जीरो से नीचे वाला क्या इनवैलिड है, 100 से ऊपर वाला इनवैलिड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ कि इनवैलिड, और यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे इनवैलिड, और यहाँ पे स्केल बना हुआ कि अच्छा 50 तक जो है वो ये है, 50 तक, 50 से आगे ये, भले पेंट में बना के लगा दो या किसी को कोई फोटोशॉप आता है उसमें बना के लगा दो, ठीक है। मुझे तो पेंट आता है भाई, ठीक है, टेबल बना के लगा दो, पता चले बंदे को, देखने वाले को कि अच्छा मैं जब परसेंटेज एंटर करूँगा तो वो क्राइटेरिया क्या है जिस पर ये रिजल्ट सामने दे रहा है, ठीक है। तो ये स्केल बना के लगा देना ताकि थोड़ा सा तुम्हें भी वो हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए इस स्केल की, क्योंकि ये नहीं नहीं पूरा थ्रेशोल्ड पूरा कि अच्छा यार यहाँ पे जो है ना इस इसके दरमियान जो है वो ए ग्रेड है और इसके दरमियान जो है वो बी ग्रेड है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये पूरा ऐसे राउंड बना दो जैसे मैंने बना के समझाया है ना ऐसे वाला, मैंने तो ऐसे ही आड़ा टेढ़ा बना दिया, तो थोड़ा अच्छा करके बना लेना, देख के पता चल जाएगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर होगा ना आपका, ठीक है। बेसिक सॉफ्टवेयर तो ऐसा ही होगा ना कि देख के पता चल जाएगा भाई, जो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है अभी कि 25 से कम हो तो ऐसे करना है और 20 से कम हो तो ऐसे करना है, वो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है मैंने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया हुआ जिसको मैं तो ऐसे ही देख लेता हूँ कि अच्छा यार ये मेरे एक सेटिंग की हुई है, बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर। अच्छा, यही चीज़ वो फिर कंपाउंडिंग होते 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 वो एक बड़े सॉफ्टवेयर की शक्ल अख्तियार कर जाती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, बट फोटोशॉप जब पहली दफ़ा बना था तो क्या वो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर था? नहीं, पहले वो पेन टूल किसी ने अलग से बनाया होगा। फोटोशॉप, आपको एक बात और बताता चलूँ कि फोटोशॉप में जितने टूल्स हैं उसमें से ज़्यादातर फोटोशॉप वालों ने खुद नहीं बनाया, वो पहले से बने हुए थे, उसको कलेक्ट किया, एक जगह इकट्ठा किया। जो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन कलर वालर जो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते हैं वो तो पहले से रूल बने हुए थे CGI के अंदर, जो CGI एक सब्जेक्ट हुआ करता था, अभी भी है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें वो बने हुए हैं सारे फार्मूलाज के, अच्छा यार आपको किसी इमेज को अगर कंट्रास्ट को कम करना है तो कौन से पिक्सल को उठा के कौन से पिक्सल से चेंज करेंगे, क्या करेंगे तो वो कंट्रास्ट कम हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, उसका एक नॉब बना दिया कि यार फोटो खुलती है और आप वो ऐसे नॉब को आगे करते हैं तो कंट्रास्ट बढ़ता है, नॉब को कम करते हैं कंट्रास्ट कम होता है, दैट्स इट। तो वो बने हुए एल्गोरिथम उसको एक जगह इकट्ठा किया, लेकिन कंट्रास्ट का जो एल्गोरिथम है वो किसी बंदे ने अलग से बनाया होगा सिर्फ कंट्रास्ट का, शुरू में पहली दफ़ा जो हुआ होगा। तो इसी तरीके से ये जो छोटा सॉफ्टवेयर अभी हमने बनाया है, अभी इसमें इनपुट दे रहा है बंदा अपना परसेंटेज और उसको ग्रेड पता चल रहा है, कल को यही बंदा अपना वेट बताएगा और अपनी हाइट बताएगा, दो पैरामीटर, और वो BMI की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप में से जो चीता होगा वो BMI भी बना के ले आएगा, BMI आपकी जो टोन है ना आपकी टोन कितनी बड़ी है उसका पैरामीटर होता है, सही है। BMI का जो चार्ट होता है दिखा देता हूँ आपको मैं, BMI का जो चार्ट है ना वो ये है, ये आपकी हाइट और आपका जो वेट है ना वो आप बताते हैं इसको, और उसके बिहाफ पे ये कैलकुलेट करता है कि आप इस वक्त राइट ना हो, आप अंडर वेट हैं यानी कि आप पतले सूखे कांगड़ी हैं, या आप नॉर्मल हैं, या आप ओवर वेट हैं, या आप ओबीस हैं। ओबीस जो है वो रेड लाइन होती है, अगर आप उसमें दाखिल हो गए तो बहुत सारी जानलेवा बीमारियों का आप सामना कर सकते हैं अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो, ठीक है। अच्छा, तो मेरा जो वेट है इस वक्त वो 85 लास्ट मैंने किया था, और हाइट जो है मेरी वो 5 फिट शायद कुछ 11 इंच है या 10 इंच है, ठीक है, 6 फिट से 1/2 इंच कम है, तो देखते हैं मेरा क्या रिपोर्ट है इसके अंदर। अच्छा, 5 फिट 10 इंच यहाँ पे आ रहा है ना, तो चलो 10 पे लगा लेते हैं। अच्छा, ये 5 फिट 10 इंच हो गया। अच्छा, और ऊपर जाते हैं इसमें हम, और क्या था वेट 85, तो मैं इस जगह पे लाया कर रहा हूँ 85 अगर है तो, ठीक है। अच्छा, और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ मुझे वो भी पता चल रहा है इससे कि अच्छा यार मैं जा सकता हूँ 95 तक जा सकता हूँ, 95 इज़ द रेड लाइन फॉर मी। अच्छा, लेकिन नॉर्मल होने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, 81 पे आना, 81 से कुछ कम,
80 या 79 पे आना पड़ेगा मुझे जब मैं नॉर्मल की कैटेगरी में हूँ. अभी मैं ओवरवेट हूँ राइट नाउ, ठीक है. और रेड लाइन जो है वो कहाँ खड़ी हुई है, 99 पे खड़ी हुई है. और जिसका मुशाहिदा आप कर चुके हैं जब मैं यहाँ पे आता हूँ चलता हुआ डब 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 पांडा की तरह, तो मेरी तोन का बबौरा क्या उसे मुशाहिदा किया है आपने, और वो यहाँ डेटा में भी आपको वो चीज़ दिख रही है. तो आपको ये भी पता है कि ओवरवेट बंदा दिखने में कैसा होता है. और ओबीस आप में से यहाँ पे कोई मुझे शायद नज़र तो नहीं आ रहा, ठीक है. तो ये बीएमआई कैलकुलेटर है. अच्छा, इसमें देखो जैसे दोस्त ने जिक्र किया ना कि यार वो ग्रेड का अगर बना हुआ होगा तो वो तो देख के ही पता चल जाएगा. ये भी बना हुआ था, इसको देख के पता लगाने में मुझे 4-5 मिनट लगे, है ना. अच्छा, एक सॉफ्टवेयर अगर ऐसा बन जाए कि ये दोनों वैल्यू केजी में और इंच में या हाइट जो भी जैसे अभी आप इनपुट लें, फिट में लें या इंच में लें, वो बंदा दे और सामने से उसको बता दे कि करंट बीएमआई आपका क्या है और आपका जो वेट है अगर वो 99 पे पहुंच गया तो ये आप ओबीस में दाखिल हो जाओगे, और इतने पे पहुंच गया यानी नॉर्मल पे आने के लिए आपको कितना कम करना पड़ेगा. तीन वैल्यू अगर दे दे तो ये एक मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर होगा, है ना, जो फौरन देख के मुझे चार्ट पे पता नहीं चल रहा है, ठीक है. बाकी अल्टीमेटली जितने भी सॉफ्टवेयर है ना वो जो चीज़ बता रहे होते हैं उसका चार्ट बना हुआ होता है ना. कौन सा सॉफ्टवेयर, कोई नाम लो सॉफ्टवेयर का जो चीज़ें कैलकुलेट, जैसे फिट को इंच में कन्वर्ट करते हैं हम आमतौर पे, उसके लिए कैलकुलेटर में होता है कन्वर्टर मौजूद, तो वो तो मौजूद है ना. फार्मूला फार्मूले से हो जाता है वो, लेकिन फार्मूले से करने में टाइम ज़्यादा लगता है, सॉफ्टवेयर उस चीज़ को आसान बना देता है. तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इस तरह छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, उसके फार्मूला बने होते हैं, ठीक है. जो दो नंबरों को प्लस करने का फार्मूला मौजूद है, लेकिन हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और कैलकुलेटर में एक सॉफ्टवेयर है जो उसको प्लस करता है, तो टाइम बचाने के लिए करते हैं जस्ट दैट्स इट, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है. तो आज का जो टास्क है वो क्या है, ग्रेड कैलकुलेटर है. और अगर कोई आप में से चीता है तो वो ये वाला फोटो लगा के और एक बीएमआई भी बना लेना, है ना. अच्छा, जो भी लोग जो टास्क मैं यहाँ पे देता हूँ वो आप बना रहे होते हैं यहाँ पे, अभी तक मैंने जावास्क्रिप्ट का कितने टास्क दे दिए, क्या था वो, हाँ कैलकुलेटर. अच्छा, तो जिन लोगों ने भी वो कैलकुलेटर बना लिया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उसको लिंक्डइन पे करें शेयर, उसकी वीडियो बनाएं, लिंक जो आपने है लाइव है ना आपका लिंक, वो शेयर करें लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आपका सर्कल है. गिटहब में तो जाहिर है रिपोजिटरी मैंने ज़बरदस्ती बनवा दी है, उसके बगैर तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है. तो आपने शोर मचाना है. ये जो दोनों टास्क मैंने आपको दिए हैं, इसके टास्क में मैं एक चीज़ और शामिल कर रहा हूँ कि ये टास्क जब आप बना लेंगे ना तो आपने गिटहब में उसकी होस्टिंग करनी है, साथ में अपने लिंक्डइन, गिटहब या जहाँ पे भी आपने पोस्ट करना है वहाँ पे पोस्ट करना भी टास्क का हिस्सा है. और आपने उस पोस्ट में लिखना क्या है, एक तो यूआरएल लगाएंगे, साथ में आपने ये लिखना है कि इसको आपने कैसे बनाया, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप. मिसाल के तौर पर मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, सैलानी में पढ़ रहा हूँ, और मैं इतने बजे जाता हूँ, इतने बजे आता हूँ, समझ लो. तो आपने कहाँ से ये सीखा और कैसे बनाया, बनाते हुए क्या हर्डल्स आए और बनाने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, वो आपने लिखना है, सही है. या और मे बी आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगले एक साल में आप अपने आपको कहाँ देख रहे हैं. तो ये आपने ना जर्नी अपनी उसमें लिखनी है. अच्छा, और आइडियल केस तो ये हो कि अब आप बना दें उसमें वीक बना दें, हर वीक आपको कोई ना कोई टास्क यहाँ पे मिलता है, तो आप बना दें कि भाई जावास्क्रिप्ट वीक 3 था ये, फिर वीक 4 को एक टास्क डालें, फिर वीक 5 को डालें. आपने देखा है वो लोग स्ट्रीक बनाते हैं, ये गूगल वगैरह के जो बूट कैंप्स होते हैं ना वो ये इसी तरह करते हैं. गूगल के बूट कैंप में अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा है तो वो क्या करते हैं, वो टास्क देते हैं हर वीक का, एक वीक के शुरू में ही दे देते हैं. वो कहते हैं इस पूरे वीक जो पढ़ाई होगी ना उससे ये टास्क बनाना है, और वीक के आखिर में आप बना के उनको भी सबमिट करते हैं और अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, वो पोर्टफोलियो लास्ट में सबमिट करवाना होता है, ठीक है. तो ये गूगल वगैरह सब इसी पाथ पे चलते हैं. तो आपने शोर मचाना है अभी से, आपकी आवाज़ इतनी तेज़ होनी चाहिए कि जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं, जितने भी आपके जान पहचान वाले लिंक्डइन फेसबुक पे हैं, सबको पता हो कि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है, अभी से उनको पता होना चाहिए. अच्छा, कोई जो भी बोले सामने से, कोई कमेंट कुछ भी करे, अच्छा भाई पता है जावास्क्रिप्ट, कोई उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अपनी मार्केटिंग में बेगैरत बनने की ज़रूरत है. अगर शर्म में रह जाओगे तो रह जाओगे, सही है. कोई शर्म, बेशरम हो जाओ अपनी मार्केटिंग में, दबा के मार्केटिंग करो और अपने बारे में बताओ. आपको लगता है ना, अच्छा यार ये तो लोगों को पता ही होगा, ये तो ऑब्वियस बात है. भाई वही ऑब्वियस बात आपने लोगों को बतानी है, चाहे सामने से कोई कुछ भी कमेंट करता रहे. अच्छा, और क्या बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, हैं,
अंग्रेजी का मुहावरा है वैसे तो, ये इन्होंने मूवी में उल्टा किया है, मतलब असल मुहावरा ये है कि ऑल प्रेस इज़ गुड प्रेस, अंग्रेजी का मुहावरा है ये। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेस में अगर आप आ रहे हो ना, तो आपके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, जो भी हुआ हुआ है वो प्रेस है भाई, ऑल प्रेस इज़ गुड प्रेस। तो आपको अगर कोई ट्रॉल कर रहा है ना इंटरनेट पे, तो ये गुड प्रेस है, ये प्रेस है ना, ऑल प्रेस इज़ गुड प्रेस। लोग जानने लग जाते हैं, फेस वैल्यू बढ़ जाती है आपकी, है ना। अभी वो पता नहीं कोई जो डांस वांस कर रही थी लड़की, वायरल हो गई, उसको भाई वो प्रोग्राम में बुला रहे हैं, मॉर्निंग शो में, आपको क्यों नहीं बुला रहा कोई, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू बढ़ गई है। अब वो पैसे वैसे पता नहीं कितने कमाए, वो तो झूठ बात है सारी कि पता नहीं 2 करोड़ कमा लिए उसने, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी फेस वैल्यू तो बढ़ गई ना उसकी, तो ऑल प्रेस इज़ गुड प्रेस। कुछ दिनों में क्या होता है कि लोग वो चीज़ भूल जाते हैं जो हुआ था, और फिर आमतौर पर ये होता है कि इस तरह जिन लोगों की वीडियोज़ वायरल होती हैं, या जो लोग वायरल हो जाते हैं इंटरनेट पर या टीवी पर किसी जगह पर, वो अल्टीमेटली फिर अपना चैनल वैनल शुरू करते हैं, या कोई टी शर्ट जर्सी का कोई ब्रांड बना लेते हैं, या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ब्रांड बना लेते हैं, किसी के ब्रांड एम्बेसडर लग जाते हैं, तो उनकी एक वहाँ से जॉब चालू हो जाती है ना एक, सही है। लोग एक्चुअल चीज़ भूल जाते हैं कि अच्छा यार इसने वो डांस किया था तो उससे ही वायरल हुआ, वो तो थोड़े दिन चलता है, उसके बाद उसकी फेस वैल्यू एक कंटिन्यूस चलती है, ठीक है। तो अपनी फेस वैल्यू आपने बढ़ानी है। अच्छा, एक और सजेशन है इस चीज़ को लेके कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है गिटहब में, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, वो आपने चेंज नहीं करनी है, हयात नहीं, लेकिन फॉर अ सर्टेन टाइम, ठीक है। अगर आप अपने प्रोफाइल पिक्चर जो है गिटहब की, लिंक्डइन की, फेसबुक की, अगर आप चेंज करते रहेंगे ना, और नाम जो लिखा हुआ है वो भी स्पेलिंग उसकी अच्छे से देख के उसको चेंज नहीं, नाम तो कभी भी चेंज ना करें आप, एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वही रहने दें। उससे ये होता है कि आपकी पोस्ट जब किसी के सामने से गुजरती है ना, तो वो आपका फेस उसको छोटा सा दिखता है, और उस फेस से वो आपको पहचानता है। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, और आप लोगों ने भी ये नोट किया होगा, सब जगह सेम पिक्चर हो ताकि पहचान में आए, अरे ये तो वही लड़का है जिसकी मैं लिंक्डइन पे देख रहा था पोस्ट, सब जगह सेम पिक्चर हो। और दूसरी बात कि अगर आपने लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग स्क्रॉल कर रहे हैं ना आपको, या फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, वो नाम नहीं पढ़ रहा आपका, वो पिक्चर से पहचान रहा है। हाँ, वो नाम तो स्पेलिंग करेगा तो पढ़ेगा। अच्छा, नाम भी ना, अब ये एक थ्योरी है कि वो नाम की ना असल में पूरी स्पेलिंग नहीं पढ़ते, शुरू का और आखिर का पढ़ते हैं, ये एक थ्योरी, आप गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा। तो वो नाम कभी अगर देख भी रहे ना कोई, नाम पूरा नहीं पढ़ता कोई, वो शुरू का और आखिर का पढ़ता है, ठीक है। तो नाम आता है सेकेंडरी, वो पहले देखता है फोटो। अगर आपकी फ़ोटो सेम है ना, तो आपकी अगली पोस्ट जब आती है तो वो स्क्रॉल करते हुए पहचान जाता है, अरे इसकी तो मैंने पोस्ट पहले भी देखी थी, फोटो से, नाम से नहीं। तो फोटो आपने चेंज नहीं करनी, अगर फोटो आपने चेंज कर ली तो वो बंदे आपको पहचानना भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बहुत अच्छी पोस्ट आपकी उसने देखी थी, लेकिन जब अगली पोस्ट आएगी ना तो वो आपको पहचानेगा नहीं। अगर सेम फ़ोटो होगी ना तो उसके जहन में वो एक ट्रिगर होगा। ये साइकोलॉजी की बातें हैं, ठीक है, ये साइकोलॉजी की और कम्युनिकेशन की बातें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो मास कॉम वगैरह पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जस्ट आपको मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ जो आपके काम की है, ठीक है। जब आप लिखेंगे जाके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ना, तो उसमें वो सारा आ जाता है कि भाई 1-to-1 कम्युनिकेशन है, वो वर्बल है, नॉन वर्बल है, और एक मास कम्युनिकेशन है। यानी जो मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ ये मास कम्युनिकेशन है, मैं मासेस से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये मासेस में भी आता है, 1-to-1 में भी आता है। मास तो असल में होता है कि बंदा प्रेजेंट नहीं है, जैसे टीवी पे जो लोग बात कर रहे हैं ना खड़े हो गए, तो उनके बोलने से पूरी कौम सुन रही है, पूरी कौम पे असर पड़ रहा है, ठीक है। तो वो मासेस तो उसको कहते हैं असल में, लेकिन ये भी काइंड ऑफ एक मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ वीडियो रिकॉर्ड होती है, ये भी इंटरनेट पे जाती है, तो काइंड ऑफ मासेस में ये दाखिल है। लेकिन वैसे ये 1-to-1 है, जो लोग जिनकी मैं शक्लें देख रहा हूँ, आप लोगों से 1-to-1 में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है काइंड ऑफ, कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ना, अच्छा आड़ी टेढ़ी पिक्चर अगर है उसको प्लीज़ अभी सही कर लें, यही अच्छा मौका है, अभी सही कर लें उसको। किसी दोस्त को पकड़ें, अच्छी सी लाइट वाली जगह पर खड़े होकर अच्छी सी फ़ोटो बनवा लें, मुँह धो के ना, फेयर एंड लवली फेस वॉश से अच्छे से मुँह धो के और हेयर ड्रेसिंग वगैरह करवा के अच्छी सी फ़ोटो खींच के ना उसको सब जगह फैला दें। अच्छा, और उसको चेंज ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका फेस वैल्यू है आपकी, समझ लो फेस ही चेंज हो जाएगा आपको, तो वैल्यू वो साथ साथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में।